25 मई साल 1967 पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में जमींदारों और किसानों के बीच जमीन को लेकर झगड़ा हुआ। इस दौरान पुलिस की गोली से 11 किसानों की मौत हो गई। पूरे प्रकरण के बाद सत्ता बंदूक से निकलती है, इस आइडियोलॉजी पर यकीन करने वाले नक्सलवाद का जन्म हुआ। इस नक्सलवाद आंदोलन का नेतृत्व कानू सान्याल और उनके साथियों ने किया। आखिर कैसे एक छात्र एक नक्सल बन गया, क्या हालात बने कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठानी पड़ी, जीवन के 14 साल जेल में गुजारे, आखिर क्यों 82 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। नमस्ते, मैं अंशुल हूं, आप हैं मंच पर। 1 जनवरी साल 1928 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मिडिल क्लास बंगाली फैमिली में सान्याल का जन्म हुआ। उनके पिता गोविंद सान्याल कोर्ट में क्लर्क। पत्रकार बप्पा दित्त पाल अपनी किताब कानू सान्याल द फर्स्ट नक्सल में लिखते हैं कि बात 1948 की है, जब सान्याल सिल्लीगुड़ी में क्लर्क की नौकरी करते थे। उसी दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने CPI यानी इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी पर बैन लगा दिया था। तब सरकार कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय थे। इस बात ने सान्याल को बहुत प्रभावित किया और हैरान किया। किताब के मुताबिक कानू सान्याल के दिमाग में ये प्रश्न आया कि आखिर आजाद भारत में एक राजनीतिक दल पर बैन क्यों लगाया गया, वो भी ऐसे भारत में जो अब अंग्रेजों के पंजे से मुक्त हो चुका है। पॉलिटिक्स में रुझान होने के चलते सान्याल ने जन रक्षा समिति संगठन ज्वाइन किया और एक जुलूस में शामिल होकर मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय के खिलाफ काला झंडा दिखाया, जिसके लिए उनको जेल हुई। जेल में उनकी मुलाकात चारू मजूमदार से हुई। चारू मजूमदार CPI नेता थे, दोनों के बीच दोस्ती हुई लेकिन विचारों में मतभेद था। चारू पहले बंदूक उठाने की बात करते थे और सान्याल पहले आंदोलन कर अपनी बातों को सरकार के आगे रखने की बात करते। जेल से निकले और साल 1952 में सान्याल ने CPI ज्वाइन की। चीनी नेता माओ की फिलॉसफी थी कि बंदूक के जोर पर ही सत्ता हासिल की जा सकती। इन विचारों से प्रभावित होकर सान्याल ने चारू मजूमदार और जंगल सांथाल के साथ चोरी छुपे चीन की यात्रा की और वहां पर मिलिट्री ट्रेनिंग ली। इधर भारत में आजादी के बाद कृषि सुधार के रूप में सरकार ने जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया था, लेकिन जमीन का बंटवारा सही तरीके से नहीं किया। जमींदारी सिस्टम खत्म होने की वजह से नए और अमीर किसान पैदा हो गए। ये वो किसान थे जो गरीबों से अपने खेतों में मजदूरी कराते लेकिन उनके साथ अपना हिस्सा साझा नहीं करते, जबकि असल में मेहनत ये मजदूर करते थे। नतीजा ये हुआ कि जमींदार अमीर होते गए और भूमिहीन मजदूर खाने को भी तरसते रहे। इसको लेकर गरीब किसानों में असंतोष उबल रहा था। चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल सांथाल ने CPI से टूट कर बनी CPI मार्क्सवादी ज्वाइन की। गरीब किसान और मजदूरों की आवाज बने, कई आंदोलन किए। सान्याल के जीवन को एक नई दिशा मिल चुकी थी। इस आंदोलन को तेजी तब और मिली जब गरीब किसान पर एक जमींदार ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद 24 मई साल 1967 को पुलिसकर्मी नक्सलबाड़ी आए तो एक भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। हमले में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई। अगले दिन पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। किसानों की भीड़ उग्र हुई तो पुलिस को गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें 11 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद सान्याल के नेतृत्व में गांव के लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में दूसरे राज्यों के किसानों भी शामिल हुए। नक्सलबाड़ी गांव में यह घटना होने से इन सभी को नक्सली कहा गया। साल 1970 में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के भू स्वामित्व के खिलाफ विद्रोह के आरोप में सान्याल को 7 साल की जेल हुई। साल 1972 में सान्याल ने एक नया संगठन बनाया। 90 के दशक में CPI माले के महासचिव बने। साल 2000 में पॉलिटिक्स से सान्याल ने संन्यास ले लिया और चाय बगान के श्रमिकों के लिए काम करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में पश्चिम बंगाल स्थित नक्सलबाड़ी में अपने घर पर सान्याल ने 82 साल की उम्र में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लेकिन क्यों, ये बात आज भी रहस्य बनी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।